हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद काशनी में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ छोले और जीरा राइस की रेसिपी। ये छोले और राइस की रेसिपी आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में एकदम झटपट से और टेस्टी छोले राइस बनाना बताऊंगी, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका समय भी बच जाएगा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में जो ये बेल का आइकन है उसे दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छे लगें तो थम्स अप दें। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम काबुली चने को 7 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट पानी में भिगा लिया है। अब इनका पानी निकालकर एक प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। फिर इसमें दालचीनी, काली मिर्च और बड़ी इलायची डाल लेंगे और छोलों को पानी से कवर कर लेंगे। तो आप ज़रूरत के अनुसार पानी डाल लें। परफेक्ट छोले उबालने के लिए एक चुटकी बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। अब प्रेशर कुकर को बंद कर लेंगे और छोले को उबलने के लिए गैस पर रख लेंगे। इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 सीटी आने तक उबाल लेना है। छोले बॉईल हो चुके हैं और प्रेशर कुकर का प्रेशर भी रिलीज हो गया है। अब इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। देखने में तो ये एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। इन्हें आप इस तरह से प्रेस करके भी चेक कर सकते हैं, तो ये इजीली मैश हो रहा है, यानी ये छोले एकदम परफेक्ट बॉईल हुए हैं। चलिए अब मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डाल लें। अब इस गरम तेल में 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। फिर इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन डालना है, साथ ही एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सब को आप 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। भून जाने पर थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। फिर इसमें 2 बड़े प्याज की पेस्ट ऐड करना है। इसे भी आप एक बार मिक्स कर लें। प्याज के मिक्स हो जाने पर इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सब को चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेना है। तो आप गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखते हुए इसे भूनना स्टार्ट करें। मसाले को कंटिन्यू चलाते हुए भूनें। तो यहाँ पर प्याज काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और लास्ट में कसूरी मेथी डाल लेंगे। मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी डालकर इसे खूब अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पर मसाला भून चुका है। अब इसमें 2 टमाटर की पेस्ट ऐड करेंगे। टमाटर की पेस्ट को भी मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। इसे चलाते हुए अच्छी तरह से भून लें। अब इस मसाले को ढककर पकने देंगे। आप इसे बीच बीच में चेक करते हुए पका सकते हैं। यहाँ पर मसाला काफ़ी अच्छी तरह से भून चुका है और इसका तेल भी छूट चुका है। अब इस भुने हुए मसाले में उबले हुए छोले ऐड करेंगे। तो छोलों को पानी के साथ ही ऐड करना है।
फिर यहाँ मैं एक बॉईल और मैश किया हुआ आलू ऐड कर रही हूँ। इससे ग्रेवी को अच्छी थिकनेस मिलती है। इन सब को भी खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स हो जाने पर इसे हम उबलने देंगे। ज़रूरत पड़ने पर आप और गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर छोलों में उबाल आ चुका है और ये बनकर तैयार है। लग रहे हैं ना, एकदम ही टेस्टी। और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान था। चलिए अब फटाफट से जीरा राइस बना लेते हैं। तो एक प्रेशर कुकर में 2 से 3 चम्मच घी डाल लें। घी के गरम हो जाने पर इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने शाही जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी और लौंग ऐड करी है। इन सब को घी में 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। भून जाने पर इसमें भीगा हुआ बासमती राइस ऐड करेंगे। इस 1 कप बासमती चावल को मैंने साफ धोकर 15 मिनट के लिए भिगा लिया था। ऐसा करने से चावल एकदम परफेक्ट बनते हैं। चावल को भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। अब इसमें 2 कप गरम पानी ऐड करेंगे। तो आप जितना चावल लें उसका डबल पानी ऐड कर लें। लास्ट में स्वाद के अनुसार नमक डाल लें और इन सब को एक बार मिक्स कर लें। मिक्स हो जाने पर प्रेशर कुकर को बंद कर लेंगे और हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक चावल को पका लेंगे। जीरा राइस तैयार है। इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट खिला खिला चावल बनकर तैयार हुआ है। तो अब गर्मा गर्म छोले सर्व कर लेते हैं। तो लग रहे हैं ना, छोले बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग और बिल्कुल घर पर रखे हुए इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हुए हैं। इस पर अदरक की जूलियंस, प्याज की रिंग्स और फ्रेश हरा धनिया डाल लेंगे। तो ये लीजिए, झटपट से बनने वाले छोले और जीरा राइस तैयार है। यहाँ इसके साथ मैंने घर पर बनाई हुई नान भी सर्व की है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।